हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खत्रीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी स्टेप बाय स्टेप, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो चलिए देखते हैं भिंडी की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने ली है आधा किलो यानी कि 500 ग्राम भिंडी। इसे मैंने काट लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में। लाल मिर्च पाउडर लिया है एक छोटी चम्मच। हल्दी चाहिए आधा छोटी चम्मच। जीरा एक छोटी चम्मच। धनिया पाउडर डेढ़ से दो छोटी चम्मच। ऑयल चाहिए 3 टेबलस्पून, करीबन एक बड़ा चम्मच। नमक लिया है मैंने एक छोटी चम्मच, या आप इस स्वाद के अनुसार ले सकते हैं। लहसुन लिया है मैंने 10 से 12 कली ली है, इन्हें मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। आमचूर पाउडर लिया है आधा छोटी चम्मच। अब इसकी जगह नींबू भी ले सकते हैं। भिंडी का मैं आपको एक फंडा बताना चाहती हूँ। जब भी आप मार्केट से भिंडी खरीदें तो एकदम छोटी छोटी और कच्ची भिंडी लाएं। इस तरह की देखिए कितनी मुलायम भिंडी है, दिख रही है। इस तरह की भिंडी लाएं हमेशा। इसे आप हाथ से तोड़ के देखेंगे तो देखिए कितनी सॉफ्ट है, अच्छे से टूट रही है। इस तरह की भिंडी हमेशा काम में लें सब्ज़ी में, तो सब्ज़ी अच्छी बनेगी। बड़ी भिंडी ना लाएं। ये आप देख सकते हैं, ये बड़ी भिंडी है, ये पकी हुई भिंडी है, ये कट नहीं रही है। हाथ से देख सकते हैं आप इसमें कितने बड़े बड़े बीज हैं। ऐसी भिंडी लाने से सब्ज़ी का स्वाद ख़राब हो जाता है, अच्छी नहीं बनती सब्ज़ी। भिंडी को हमेशा एक दो बार अच्छे से पानी में वॉश करें और फिर किचन टॉवल से सारा पानी उसका सुखा लें। गीली बिल्कुल भी नहीं रखें भिंडी को। फिर भिंडी को मैंने काट लिया है, भिंडी के दोनों सिरे काट लिए हैं और इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो इसे लंबा भी काट सकते हैं इस तरह से। सारी भिंडी या तो इस तरह से काटिए या फिर गोल काटिए, आपको जैसा ठीक लगे उस हिसाब से। भिंडी के अंदर ही मैं डाल दूंगी लहसुन कटी हुई, इसे अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। भिंडी की सब्ज़ी में कम ऑयल ना डालें, कम डालने से अच्छी नहीं बनेगी सब्ज़ी, एक एक टुकड़ा खुला नहीं होगा। जीरा डालें इसके अंदर, जीरे को अच्छे से भून लें। हींग, इंग्रेडिएंट्स में बताना रह गया था, एक चौथाई छोटी चम्मच मैंने हींग डाली है इसके अंदर। फिर इसके अंदर डालें भिंडी और लहसुन। चम्मच की सहायता से इसे चला लें। और इसमें डालेंगे अब नमक और हल्दी। एक बार फिर से इसे मिक्स करेंगे। अब इस पर ढक्कन लगाकर धीमी आंच पर इसे हमें 2 मिनट तक पकने देना है, ज़्यादा नहीं, 2 मिनट। 2 मिनट बाद ढक्कन हटाएंगे और फिर से एक बार इसे चम्मच से चला लेंगे। अब इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर। अब आमचूर पाउडर की जगह नींबू भी डाल सकते हैं, आधा या फिर एक नींबू। मिक्स करेंगे अच्छे से इसे, और अब इसे हमें खुले में ही पकने में देना है 2-3 मिनट के लिए, ढक्कन नहीं लगाना है। अब फिर हमें डालना है धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। मिक्स करेंगे इसे अच्छे से। इसमें गरम मसाला वगैरह कुछ भी और ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सिंपल है। सिंपल तरीके से बनाई मैंने, बहुत ही बढ़िया और टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। अब इसे खुले में 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे, ढक्कन नहीं लगाएंगे। अब आप देख सकते हैं सब्ज़ी तैयार है, कितनी बढ़िया बनी है। एक एक टुकड़ा खुला हो चुका है, ऑयल सेपरेट हो चुका है सब्ज़ी से। बहुत ही बढ़िया और आसान सब्ज़ी है, बच्चों को तो बहुत ही अच्छी लगती है, तो आप इसे घर पर ज़रूर बनाएं।
भिंडी की सब्ज़ी रेडी है। गैस को मैं ऑफ़ करूँगी और इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दूँगी। दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के पास जो बेल बटन है उसे ज़रूर प्रेस करें, जिससे मेरी नई नई रेसिपीज़ आपको अपने आप ही मिलती रहेंगी।